हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 20 ऑफ चैप्टर नंबर 4। नाउ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था कि अपोजिट रेज क्या होते हैं, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल्स इन ए लीनियर पेयर भी मैंने समझाया था। तो प्रैक्टिस सेट 20 स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है एंड एंगल्स इन ए लीनियर पेयर क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने समझाया था, देखो कि अपोजिट रेज क्या होता है। अपोजिट रेज मतलब सच रेज विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे रेज को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट रेज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लाइन ए सी को, सो पी ए, रे पी ए एंड रे पी सी, लाइन ए सी इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द रे पी ए एंड रे पी सी। तो रे भी क्या होता है, रे इज अगेन अ पार्ट ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर रे पी ए एंड रे पी सी दोनों के पास है कॉमन ओरिजिन पी, और ये दोनों रे क्या फॉर्म कर रहे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे। सो इट मीन्स रे पी ए रे पी सी, ये क्या हो गया, अपोजिट रेज का पेयर हो गया। सिमिलरली रे पी बी एंड रे पी डी, ये भी क्या हो गया, अपोजिट रेज का एक पेयर हो गया। नाउ इसके बाद मैंने बोला कि हम स्टार्ट करेंगे अपोजिट एंगल से। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स मतलब सच एंगल हुज आर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द अपोजिट रेज। ऐसे एंगल जिसके आर्म्स यानी कि जो साइड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म्स है, अपोजिट रेज से फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने बताया रे पी ए एंड पी सी अपोजिट रेज है, पी बी एंड पी डी रे ये भी क्या है, अपोजिट रेज है। तो यहाँ पे ये एंगल्स जो फॉर्म हुए है, ये जो एंगल्स फॉर्म हुए ये क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स हो गए, क्योंकि इनके आर्म्स कैसे बने, अपोजिट रेज से बने। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए। सिमिलरली एंगल ए पी डी एंड एंगल सी पी डी, ये भी क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स हो गया। नाउ इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब, अब यहाँ पे देखो हम आ जाते हैं लाइन पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ लाइन ए सी है, यहाँ पे लाइन बी डी है। सो लाइन ए सी एंड लाइन बी डी बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट पी। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, कट करना। सो लाइन ए सी एंड लाइन पी डी दोनों क्या कर रहे, कट कर रहे यहाँ पर पॉइंट पी पर। तो ये जो अपोजिट एंगल्स है, एंगल बी पी सी एंड एंगल ए पी डी बोथ आर अपोजिट एंगल्स, और ये एंगल्स अपोजिट है बट कहाँ पर है, वर्टेक्स पी पर है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल बी पी सी एंगल ए पी डी ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। सिमिलरली एंगल ए पी बी एंड एंगल सी पी डी ये भी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल मेजर के। तो अगर एंगल ए पी डी 47 डिग्री है तो एंगल बी पी सी भी क्या होगा, 47 डिग्री होगा बाय द रीजन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली अगर एंगल ए पी बी यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दिया होगा, सपोज 130 डिग्री दिया होगा, तो एंगल सी पी डी भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल जिसके आर्म्स किससे बने, अपोजिट रेज से बने। तो ऑब्वियसली बात है ये अपोजिट एंगल से, ये भी अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। इसके बाद ये जो अपोजिट एंगल्स है ये एक्चुअली में अपोजिट है बट वर्टेक्स पी पर है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली इसको भी हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ये और ये इक्वल मेजर के होंगे, ये और ये वाला एंगल इक्वल मेजर का होगा। नाउ इसके बाद एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होते हैं। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बोला यहाँ पे कि फोर एंगल्स फॉर्म हुए हैं। देखो सी पी बी, ए पी बी, ए पी डी एंड एंगल सी पी डी, ऐसे करके चार एंगल्स फॉर्म हुए। अब ऐसे कौन कौन से एंगल्स है जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे, तो ध्यान से हम देखेंगे तो एंगल ए पी डी एंड एंगल ए पी बी ये जो दोनों एंगल्स है, इसका ये जो आर्म है यहाँ पे आर्म पी बी एंड आर्म पी डी, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। और हमने अभी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में देखा था कि लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सम ऑफ द टू एंगल इज
180 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल का जो सम है वो होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हमें एक पेयर मिल गया जो क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर में है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों एंगल, एंगल बी पी ए एंड एंगल बी पी सी, ये भी क्या फॉर्म कर रहे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ए सी फॉर्म कर रहे ना, तो ये दोनों भी एंगल क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल बी पी सी एंड एंगल सी पी डी, ये दोनों भी एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे, अगेन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हुए, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल सी पी डी एंड एंगल ए पी डी, ये दोनों एंगल भी क्या फॉर्म कर रहे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हुए, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे फोर पेयर फॉर्म होते हैं एंगल्स इन अ लीनियर पेयर के, ठीक है। एंड मैंने अभी अभी बताया कि जो एंगल लीनियर पेयर में होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इट मीन्स लीनियर पेयर में जो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब आप अगर इन दोनों का एंगल्स को देखोगे तो ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते, ये दोनों एंगल अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट में है और वर्टेक्स पे अपोजिट है, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लाइन ए सी एंड बी डी, लाइन ए सी यहाँ पे है, लाइन बी डी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, मतलब कट कर रहे कहाँ पर, पॉइंट पी पर। नाउ मेजरमेंट एंगल ए पी डी यहाँ पे दिया है 47 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी एंड एंगल सी पी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन, लाइन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ठीक है, एंड मेजरमेंट एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 47 डिग्री, ये क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन। नाउ इसके बाद एंगल ए पी डी एंड एंगल बी पी सी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए पी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल बी पी सी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल मेजर, जहाँ पे आपने लाइन सेगमेंट को देखा था कॉन्ग्रुएंट है। देन सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब सर्कल के पास इक्वल रेडियस होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एंगल ए पी डी एंड एंगल बी पी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड देयरफोर यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए पी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी पी सी हो जाएगा, देयरफोर मेजरमेंट एंगल बी पी सी क्या हो जाएगा, एक्चुअली में मेजरमेंट एंगल बी पी सी भी हो जाएगा 47 डिग्री, और इसको हम बना देंगे यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल ए पी बी एंड एंगल सी पी डी। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, तो देखो यहाँ पे अब आपकी मर्जी, आप कोई भी एंगल लीनियर पेयर में ले लो। देखो एंगल ए पी डी एंड एंगल सी पी डी ये क्या फॉर्म कर रहे, एंगल्स इन लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे। सिमिलरली एंगल ए पी डी एंड एंगल ए पी बी ये भी क्या फॉर्म कर रहे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, लाइन बी डी, ठीक है। तो आप ये वाला भी पेयर चूज कर सकते हो, ये वाला भी पेयर आप ले सकते हो। तो इसमें आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है कि टीचर ने अगर यहाँ पे यही सॉल्व कराया तो हमें भी एग्जाम में ऐसा ही कुछ लिखना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए पी डी एंड मेजरमेंट एंगल ए पी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए पी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन हम लिखेंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ठीक है। मैंने आपको समझाया था अभी लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों एंगल का जो सम है वो हम 180 डिग्री लिख सकते, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। नाउ ए पी डी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 47 डिग्री, तो हम 47 डिग्री लिखेंगे प्लस मेजरमेंट एंगल ए पी बी हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम एज इट इज लिखेंगे। देयरफोर मेजरमेंट एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, ये 47 डिग्री
राइट में शिफ्ट होगा तो 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो वहां जाएगा तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 133 डिग्री। सो देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए पी बी हो जाएगा यहाँ पे 133 डिग्री, और इसको हम बना देंगे ऐसे बॉक्स। नाउ इसके बाद देखो, हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल बी पी सी, एंगल ए पी बी। अब इसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ए पी बी एंड एंगल सी पी डी, ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो अगर ये 133 डिग्री है तो ये भी 133 ही डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी पी डी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ए पी बी, और रीजन हम लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल सी पी डी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए पी बी। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल सी पी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए पी बी, क्या है यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 133 डिग्री, तो 133 डिग्री इसको हम इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइनल आंसर में लिखेंगे तीनों एंगल्स के मेजरमेंट। नाउ फाइनल आंसर इस तरीके से हम लिख देंगे, और यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फिनिश। होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो सेकेंड क्वेश्चन है लाइन्स पी क्यू एंड लाइन आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम एंड मेजरमेंट एंगल पी एम आर क्या है, एक्स डिग्री है। वट आर द मेजर ऑफ एंगल पी एम एस एस एम क्यू क्यू एम आर। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, बस प्रीवियस में हमें क्या दिया हुआ था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक डिग्री लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स डिग्री लिखा है। तो सॉल्यूशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही देख के आपको लिखना है लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम मेजरमेंट एंगल पी एम आर क्या है, एक्स डिग्री। तो इतना मैंने क्वेश्चन में से देख कर लिखा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये गिवन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, दैट्स वाई गिवन। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे ड्रॉइंग को। सो एंगल पी एम आर एंड एंगल एस एम क्यू ये क्या हो गए, अपोजिट एंगल है, वर्टेक्स एम पर है, दैट्स वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल मेजरमेंट के होते, तो ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स ही डिग्री होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल एस एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल पी एम आर। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये रीजन हमने यहाँ लिखा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। नाउ अब ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल मेजर के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल एस एम क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल के साइन में चेंज हो गया, मेजरमेंट एंगल पी एम आर। नाउ मेजरमेंट एंगल एस एम क्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, एस एम क्यू हमें फाइंड आउट करना है। नाउ इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल पी एम आर है, बट पी एम आर यहाँ पे क्या है, एक्स डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डिग्री, और यहाँ पे इसको हम बॉक्स बना देंगे, ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। नाउ इसके बाद मैंने बोला कि अब यहाँ पर एंगल पी एम एस फाइंड आउट करना है एंड एंगल क्यू एम आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो पेयर फॉर्म होते, या तो आप ये वाला और ये वाला एंगल ले लोगे और बोलोगे ये एंगल इन लीनियर पेयर है, या फिर आप ये वाला और ये वाला एंगल ले लोगे और बोलोगे ये एंगल इन लीनियर पेयर है। दोनों ही कंडीशन में आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट एंगल पी एम आर एंड पी एम एस ये वाला पेयर हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल पी एम आर प्लस मेजरमेंट एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल लिखा है। द मेजरमेंट एंगल पी एम आर ये हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल पी एम एस क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स होल डिग्री।
ठीक है, होल डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ पे 180 में से जो भी एक्स का मेजरमेंट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डिग्री में कंसिडर होगा। तो यहाँ पे इसको भी हमें क्या करना है, बॉक्स बना देना है। ठीक है, ये हो गया मेजरमेंट एंगल पी एम एस हमने फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद फिर से हम ड्राइंग देखते हैं, एंगल पी एम एस हमने फाइंड आउट कर दिया, ये क्या आया 180 माइनस एक्स होल डिग्री आ गया और ये भी एक्स डिग्री आ गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देन क्यू एम आर पी एम एस का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी क्या होगा 180 माइनस एक्स होल डिग्री, यही होगा एज इट इज सेम क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल क्यू एम आर कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल पी एम एस, रीजन हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड देयरफोर मेजरमेंट एंगल क्यू एम आर इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल पी एम एस, देयरफोर मेजरमेंट एंगल क्यू एम आर क्या हो जाएगा, क्यू एम आर एंगल पी एम एस के इक्वल है तो हमें सर्च करना है कि पी एम एस हमने क्या फाइंड आउट किया, 180 माइनस एक्स होल डिग्री, तो 180 माइनस एक्स होल डिग्री होगा। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे। ठीक है ना, हमने ये तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिया, अब इसे हम फाइनल आंसर में लिख देंगे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमने लिख दिया ना, हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 20 यहाँ पर फिनिश। होपफुली आपको दोनों ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।